रहमान सर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, और वो भी ऐसी ऐसी हस्तियां फैंस हैं जिनके आगे करोड़ों फैंस हैं, जैसे रजनीकांत साहब, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, जैसे लता जी, यहाँ तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर बराक ओबामा, वो भी इनके फ़ैन हैं। तो ये व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं। बट जब आप व्हाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम हैड यू थॉट दैट यू विल गेट ए चांस टू कम ऑन माय शो? रहमान सर बहुत शाई नेचर के वैसे, लेकिन इनके जो गाने होते हैं, अगर आप रोमांटिक गाने सुने तो ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा, कोई रांझे ने म्यूजिक बनाया है, ये उसके दिल से फीलिंग निकली है। ऑब्वियसली रोमांस तो इनके अंदर होगा ही जो इनके गानों के रूप में बाहर निकलता है। रहमान सर, आप अंदर से रोमांटिक हैं वैसे थोड़े बहुत? आई जस्ट वांट टू नो। वेरी रोमांटिक। वेरी रोमांटिक, सो योर रोमांस कम आउट विद योर म्यूजिक? यस। हमारे शो में अक्सर ऐसा होता है कि जो काम कभी किसी स्टार ने नहीं किया है वो हम जरूर देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं। Is there any girl who wants to romance with A. Rahman? मैं यहाँ हूँ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक तो कह दिया आपने, लेकिन भूल गए ईद मिलते कैसे है। आइए ईद मिलिए। नो टचिंग। नो टचिंग। नो टचिंग। मौसिकी के शहंशाह को बेगम लच्ची का प्यार भरा आदाब। 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 आपके लिए एक शेर अर्ज है। तुम पर मैंने अपना तन मन मारा। तुम पर मैंने अपना तन मन मारा, तुमसे कोई ना अच्छा ना कोई प्यारा। साउथ से हो तो एक बात तो बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने पक्का ऐसा शेर सुन के मारा होगा बाहुबली को। आपको कितनी बार मना किया, आप घड़े जैसा मुंह लेके बार बार आ जाती हैं। हम इनके बहुत बड़े कदरदान हैं, इसीलिए हम इनसे गुफ्तगू करने के लिए आए। आपका वो वाला गाना है ना, रांझा रांझा करती वी में, जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ ऐसे लगता है आपने ये गाना मेरे लिए ही बनाया है। आपके लिए एक और गाना बनाया इन्होंने, मसकली मसकली चल हटक बटक चल हट। आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रहमान साहब ये देखिए, अपने खजाने से ये नायाब इंस्ट्रूमेंट मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसे मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया, ये सब मैं आपको कम दाम में दे सकती हूँ। चले गए? नहीं, इधर आ रहे। ओ, बच गई। मैं ये कह रही थी जी, आपने ये सब तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं अभी बताती हूँ। काय पुंटू निकला। I think I should invite to my studio. I can sample it and do something. हाँ, स्टूडियो में जाके बताना ये आपका कौन सा, ये कौन बजाता है ऐसे? किसी बुड्ढे का हुक्का ऊपर पीपनी लगा के आ गई है। रहमान साहब, मेरे पास तानसेन का गिटार भी है, ये देखिए, तानसेन का गिटार। ये गिटार है? हाँ। आप जानती भी हैं तानसेन कौन थे? मैं तो उसके खानदान को जानती हूँ। कैसे? रीमा सेन, रायमा सेन, मुनमुन सेन। ये देखिए, एक एंटिक पीस तो भूल ही गई थी मैं, ये एंटिक बेल है। टिंग टांग। जी हाँ, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे ना, यही घंटी बजाकर वो हिंदुस्तान में घुसे थे। दरवाजा इन्होंने खोला था ना, इसलिए इनको ज्यादा पता है। आप एक ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर से ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी, दरअसल मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या?
इनके शर्मिलेपन को थोड़ा कम करना। I will take care of you. Oh God. आपके लिए एक शेर हर्ज है, गौर फरमाइए। इश्क बिना कोई काम नहीं, इश्क बिना कोई काम नहीं, आंखों में पानी है छल का जाम नहीं। एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखिए सिद्धू जी, ये माँ का लाडला बिगड़ ना जाए तो लुच्ची मेरा नाम नहीं। बेगम साहिबा, अपनी रेडी लेके जाइए। रहमान साहब, शी इज वेरी स्वीट अदरवाइज, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा नहीं तो आप खाली एक डंडा मार दें तो वैसे भी चली जाती हैं। चलो लेके जाओ। मेरी तरफ से कुछ तो रखिए। ये क्या है? प्रॉप। हाँ। Okay.